बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कैदी नंबर 804 अडयाला जेल रावलपिंडी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे से एक दिन पहले एक नया कानून बनाया गया, फिर इसी कानून का सहारा लेते हुए तरीके इंसाफ की तमाम बड़ी क्यादत को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम गिरफ्तार लोगों का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। यहाँ शेर अफजल मुरव्वत का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, जबकि मिस्टर गोहर को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पुलिस ने मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया है। जी हां, कौमी असेंबली स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी भी रुकन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मगर आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई और तरीके साफ की सीनियर क्यादत को गिरफ्तार किया गया। जबकि दूसरी जानब फैसल वाडा ने अली मीन गंडापुर को धमकी दी है, वाजिया पैगाम दिया है कि अगर पंजाब में घुसने की कोशिश की या मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने की कोशिश की तो अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी हां, फैसल वाडा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा अली मीन गंडापुर को धमकी दी है। फैसल वाडा की इस तकरीर के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से बहुत अहम बयान जारी किया है। जी हां, इमरान खान का ताजा तरीन स्टेटमेंट सामने आया है। इमरान खान ने 21 सितंबर को मीनारे पाकिस्तान में लाहौर के अंदर बहुत शानदार जलसे का ऐलान किया है। जी हाँ, इमरान खान ने वाजिया अल्फाज में ये पैगाम दिया है कि 21 सितंबर को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के मकाम पर जलसा किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान इस जलसे की इजाज़त दे या ना दे, NOC जारी करे या ना करे, पाकिस्तान तरीके साफ हर सूरत में मीनारे पाकिस्तान में 21 सितंबर को जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। जी हां, फैसल वाडा के इस जवाब में इमरान खान ने वाजिया तौर पर पैगाम दे दिया है कि तरीके साफ किसी से डरने वाली नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसको कोई भी जलसा करने से रोक नहीं सकता। करंट सिचुएशन पाकिस्तान की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें।